सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश के एग्जाम को लेकर। तो गाइज, जो आपका सभी का क्वेश्चन है वो सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। सीबीएसई ने बोला है जो क्वेश्चन के दो से ज़्यादा आंसर बन रहे हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जिन क्वेश्चन के आंसर एक नहीं दो दो बन रहे हैं, तीन तीन बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एरर माना जाएगा सीबीएसई की तरफ से। बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बहुत अजीब थे और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी थे। जो ट्रिकी क्वेश्चन थे जिनका आंसर एक था लेकिन थोड़े क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, उनको एरर नहीं माना जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और जिनके आंसर दो थे, उन सभी क्वेश्चंस को एरर माना जाएगा। जैसे सेट नंबर 4 के अंदर 27 नंबर क्वेश्चन, सेट नंबर 3 के अंदर 21 क्वेश्चन, इसी तरीके से काफ़ी सारे सेट के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन एरर में काउंट किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। और आप सभी बच्चों को उन एरर की वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगी, ये सीबीएसई ने आज मॉर्निंग में ही कंफर्म कर दिया है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ये ऑफिशियली jagranjosh.com है वहाँ से खबर मिली, तो मैंने सोचा कि आप सभी को बता दूँ। इस न्यूज़ की पूरी आप सभी को कटिंग मेरे वीडियो के थंबनेल में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो या फिर आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। तो गाइज़ देखो, अभी ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो मैं सोचा कि आप सभी को बता दूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी गाइज़ आप सभी अपने फ्रेंड्स को बताना ये अच्छी खबर, जिससे वो भी थोड़ी मोटिवेट हो जाए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। मतलब जो टर्म टू की स्टडी है उसको भी थोड़ा अब स्टार्ट कर दे, क्योंकि टर्म वन तो ख़त्म हो गए, अब टर्म टू जो मेन है उनकी आप स्टडी करना स्टार्ट करो। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आसिंग का फिर सेफ रहो।